हाय हेलो, बोला अरे कैसा है, वेलकम वेलकम। मैं तो फुल ऐसे ऐसे बात कर रही थी उससे। फिर बाद में शूट भी जब हमने किया, पहला ही सीन इसने मुझे गिरा दिया। मैं खुद को किस करता रहता हूँ हाँ, ये ऐसे से बार बार पता नहीं ऐसे क्या खा के आता है या क्या है, लगा रहता है उसके मुंह पे। तो द सेगमेंट इज कॉल्ड जब वी मेट योर फर्स्ट मीटिंग। फर्स्ट मीटिंग तो मॉक शूट था, तो अच्छा नहीं, तुम बोलो पहले, मैं क्यों बोलू? तुम बोलो। मेरे मुझे पता है मेरे इस पे तुम अपने आंसर्स चेंज कर लोगे। तुम बोलो। चलो ठीक है। हाँ, फर्स्ट हम लोग ऑफ कोर्स मॉक शूट में मिले थे, जहाँ मैं पहले पहुंच गया था और ये लेट आई थी। यहाँ से शुरू करते हैं, मैंने बोला ठीक था है? मैं लेट आऊंगी, फिर आ तुमको गई फिर भी थी बुला लिया टाइम पे। जल्दी, क्या यार। नहीं, मैं भी टाइम से लेट आया था, तुम उससे भी लेट थी। खैर, उसके बाद फिर आई, फिर हम लोगों ने साथ में, पहले तो मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है, साथ में तो ठीक लगेंगे। ये क्या होता है। नहीं, फिर मैंने सोचा कि मैंने कहीं देखा है क्या इसको। फिर मुझे याद नहीं आया। खैर, तब बाद में वो मैंने इंस्टा पे जाके ढूंढा जो देखा था। स्टॉक खैर, तो किया मैंने देखा था क्योंकि मुझे लग रहा था मैंने कहीं देखा। हाँ, तो फिर है। हमने स्क्रिप्ट रिवर्स की साथ में, और ये कुछ नहीं बोल रही थी, पता नहीं किस बात का वो अपना थोड़ा सा था, लेकिन फिर मैंने इसे पूछा क्योंकि ये हरियाणवी में स्क्रिप्ट थी और ये बहुत अच्छे से बोल रही थी। तो मैंने इसे पूछा कि तुम दिल्ली से हो या हरियाणा से हो? सो शी सेड कि नहीं, मैं महाराष्ट्र में हूँ। बोला अच्छा। मैंने बोला यार बहुत अच्छा तुमने मतलब वो पकड़ा है हरियाणवी एक्सेंट, तो बहुत अच्छा बोल रही हो। तो फिर थैंक यू, वो भी एकदम ठंडा वाला थैंक यू। फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने उसके बाद मॉक शूट किया साथ में। फिर बंदी को रियलाइज हुआ कि लड़का सही है। फिर क्योंकि हमने जो मॉक शूट किया था ना, उसी में ही बहुत अच्छी टाइमिंग जो थी वो आ रही थी निकल के, और कुछ चीजें मैंने इम्प्रोवाइज की थी जो सर को भी बहुत अच्छी लगी थी। रवि से मॉक शूट कर रहे थे हमारा, और तो वो मुझे तब लगा कि हाँ, और ऑफ कोर्स ये बहुत अच्छा कर रही थी परफॉर्म। तो मैंने ओवरऑल पहली बार जब देखा तो मैंने कहा ठीक है, बंदी बहुत सही लग रही है, कैरेक्टर में भी सही लग रही है, एक्सेंट भी बढ़िया पकड़ा हुआ है, और हम साथ में भी सही लगेंगे, वो समझ में आ गया। इंडियन वेयर पहना था तुमने, कुर्ता उर्ता पहन के आई थी, एकदम तैयार होके बहुत अच्छी लग रही थी। ये तारीफ करनी रह गई थी, वाह थैंक्स। है ना? कौन सा कलर का कुर्ता बना था वो भी याद है? सी ग्रीन टाइप ब्लू ऐसा कुछ था क्या? रॉन्ग है ना? सी, सो स्मार्ट। सो स्मार्ट, यू आर सो क्या? स्मार्ट। नाउ योर टर्न, सच सच बताओ अब सब। हाँ, जब मैं पहली बार मिली थी मॉक शूट पे, तो देखा मैं मतलब पता नहीं, शायद मैंने डॉक्टर प्रमोद को कुछ अलग ही इमेजिन किया था। तो ये एकदम क्यूट सा लड़का लग रहा था मुझे, तो बोला ये छोटा नहीं लग रहा। तो बोला ठीक है, बट जब हमने मॉक शूट किया तो वाकई में हमारी मतलब मैंने ज्यादा बात ही नहीं की थी क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, लेट हुआ था, जो भी था। तो मैंने सिर्फ हाय बाय किया, बस हम सीधा स्क्रिप्ट पे आए। इसने मुझे फिर उसके बीच में कॉम्प्लीमेंट दिया, मैंने थैंक यू बोला, तो कुछ बात ही नहीं हुई, कुछ नहीं। फिर भी हमने जब शूट किया तो हमारी केमिस्ट्री इतनी सही थी, मतलब मेरी मॉक शूट में इतनी अच्छी केमिस्ट्री तो किसी के साथ नहीं जमी थी, किसी के साथ नहीं टिल डेट। मॉक शूट में किसके साथ होता है इतना अच्छा, और मॉक शूट में हमारी इतनी सॉलिड केमिस्ट्री जमी थी। आई वाज लाइक यार, मतलब बंदा एक्टर तो अच्छा है। तो मैंने वो एज एन एक्टर क्रेडिट दिया था उसको। फिर उसके बाद मैंने और लोगों के साथ मॉक शूट किया था, और फिर मैं बोला नहीं, ये तो नहीं हो सकता। वो पहले तब मुझे से असली हीरे की परख हुई। पर हमारा आइस ब्रेक जो था वो सेट पे हुआ था पहले दिन। पहले दिन मुझे याद है मैं सेट पे गया था और अरे मैंने फिर तो ग्रीन मुझे शूट इसको देख के किया इतनी खुशी हुई है ना, ये जब आया अरे था। अरे कैसे हो, वेलकम वेलकम, तब एकदम खुल नहीं, गई तुम लोग थी। मेरे कमरे में घुसे थे। नहीं, एक शॉट देने के बाद एक्चुअली हाँ बात हाँ, हुई थी। उसके सबसे बाद पहले आइस तुम ब्रेक जो कुछ था वो कपड़े तब इसके लिए हुआ आए था, थे, तो राइट? ये हाँ कपड़े क्या ड्रेस ट्रायल के लिए आया था, कॉस्ट्यूम ट्रायल के लिए आया था, और तभी एकदम ऐसे शाय शाय सा, एकदम रिजर्व सा ऐसे, हाय हेलो, बोला अरे कैसा है, वेलकम वेलकम। मैं तो फुल ऐसे ऐसे बात कर रही थी उससे। फिर बाद में शूट भी जब हमने किया, पहला ही सीन इसने मुझे गिरा दिया। हाँ मैं उसको बोल रही थी गिराना नहीं है, बहुत गिराना नहीं है, स्लिपरी गिरा, था, और गिरा दिया। चुप रहो तुम, पर ये मेरे रूम में आई थी गुंडों की तरह, ये हाँ और मेघा दोनों। मैंने रूम में वीडियो बना के डाला था, बदामी रंग मिनक, तो ये मेरे रूम हाँ में ये थोड़ी बात देर बाद मेरे रूम में गाना गाते गाते ऐसे डांस करते करते घुसा है यार, बदामी रंग मिनक।
और बहुत डांस करते हो, ये करते हो करते हो, और पैसे करके वहाँ पे तब आई गेस मेरे हिसाब से वहाँ पे जो था वो एक आइस ब्रेक हुआ और बात नहीं, लेकिन फिर भी इसने बहुत टाइम लिया. ये आई थिंक तुमने सबसे ज्यादा बात तो मुझसे ही करना शुरू की थी, वरना तो ये बहुत रिजर्व, बहुत शाय ऐसे था, बात नहीं करता किसी से, कुछ नहीं, एकदम शांत अपने में ही रहता है ऐसे. हाँ टाइम लगता है, मैं लोगों को देखता हूँ, मेरे साथ मेरे साथ तो ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा. अगला सवाल है, व्हेन डिड यू टू फील दैट योर बॉन्ड इज ग्रोइंग? आई थिंक मुझे लगता है तुम्हारे बर्थडे से, नहीं नहीं उससे पहले सीन से, मे बी तुम्हारी तरफ से वैसा होगा. मैं अपना आंसर दे रहा हूँ. नहीं 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 सही है हाँ, वो सीन से आई थिंक. हाँ वो सीन के बाद पे रात पे मिलने आती है मुझसे और मैं पहली बार जहाँ पे प्रपोज करता हूँ. सो वो सीन एक्चुअली एक तो इतने पार्ट पार्ट में हुआ था ना, वो तीन रातें चले था मतलब. हाँ, क्योंकि हमारी शिफ्ट होती थी 9-10 बजे पैकअप कर देते थे, तो वो हम 7 बजे शुरू करके 10 बजे 9:30 बजे वो खत्म करके जाते थे, तो तीन दिन में ऐसे हुआ था. तो उस सीन में मुझे लगता है कि हम लोगों की वो बॉन्डिंग जो थी वहां से थोड़ी स्ट्रांग हुई. दोनों ही है आई गेस, शुरू में ये थी, अब मैं दोनों ही है एक्चुअली. दोनों ही है, हम दोनों ही बहुत बातें करते हैं. टू फनी हैबिट्स यू नोटिस्ड अबाउट ईच अदर, ऐसे हंसता है ये भी ऐसी हंसती है. So, ये चीज सेम है, इसीलिए मैंने पहले बोल दिया फट से, इससे पहले तो बोल ऐसे हंसती हूँ. नहीं जब तुम ऐसे ऐसे करके भी हंसती हो, जब ज्यादा खुश होती हो ना फोकट में एक्स्ट्रा तो ऐसे ऐसे करके भी हंसती हो. और एक हैबिट तो मैंने बता ही दी है इसकी, तो दो ही हो गए. एक आप और बता दीजिए. इसकी एक और ना यार, मैं बताती हूँ. भूल रही हो क्या? मैं भूल रही हूँ ना, डेफिनेटली भूल रही हूँ. बताओ क्या? मैं अपने आप को किस करता रहता हूँ ना, मैं खुद को किस करता रहता हूँ ना. हाँ ये ऐसी से बार बार पता नहीं ऐसे क्या खा के आता है या क्या है लगा रहता है इसके मुंह पे जो बार बार चाटता रहता है. आई स्वेर ये इंटरव्यू देख लेना, इसके भी अलग से वीडियो बनेंगे जिसमें मैंने कई बार ऐसे किया होगा, ऐसा कुछ किया होगा तो उसपे भी बनेंगे. और ये हाथ भी ऐसे रखने की बहुत आदत है उसको, हाथ हाथ भी बार बार ऐसे ये चलता रहता है. राइट और ये